Friends, good morning. Today we are starting the part 9. Sorry, beta. Actually, this is class 9, and we are doing chapter 11. Okay. So, today we are doing the energy. Energy. Okay. Concept of energy. What is energy? Are the different forms of energy and we also doing the concept of kinetic energy and potential energy in full form, and we also doing the numericals. Okay, Spita. So now we have to start our chapter. This mein ye wala topics cover karenge. Okay, students. So now we start. So what the content of this chapter? So in this chapter, work we already done. Energy. Now we are doing forms of energy. We also doing today kinetic energy, potential energy. Okay, and this. वी ऑल्सो डूइंग. तो आज हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे. ओके, वर्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हमने ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम ये तीन टॉपिक्स कवर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज एनर्जी. सो एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है, एनर्जी एंड कैपेसिटी. बेटा एनर्जी क्या? वर्क से डायरेक्टली लिंक है. मीन्स हम उतना ही काम कर सकते हैं जितनी हमारे अंदर एनर्जी होगी. ठीक है, सो एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क. व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी? बिकॉज एनर्जी एक तरीके का काम है, तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? जूल. एनर्जी काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, केमिकल एनर्जी, सोलर. तो अब इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रीफली फॉर्म में पढ़ेंगे. ओके बेटा, सो व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बेटा? सन. ठीक है, सन इज सच सोर्स दैट गिव्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. और इस सन के अंदर जो रीजन है इतने हीट और लाइट होने का, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो सन है बेटा. चलो अब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो हियर मोशन एनर्जी. तो मोशन एनर्जी यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी. ओके, इट द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट मूव फास्टर एंड मोर एनर्जी इज स्टोर्ड. ठीक है, लाइक मोशन एनर्जी इंक्लूड विंड, फ्लोइंग रिवर, रिमूविंग कार एंड ए पर्सन. मतलब कि जो किसी भी मोशन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम बोलते हैं मोशन एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी. साउंड एनर्जी होती है मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू सब्सटेंस. इट मूव ए वेव व्हेन ए फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस वाइब्रेट. ठीक है, मीन्स क्या होता है कि साउंड एनर्जी द मोमेंट ऑफ एनर्जी दैट थ्रू सब्सटेंस. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में से एनर्जी ऐसे वेव के फॉर्म में मूव करती है. लाइक अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वो क्या एक साउंड एनर्जी है. ठीक है, वो एक वेव के फॉर्म में आप तक आ रही है. ठीक है, और उसके जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो एक एनर्जी के फॉर्म में आपके पास आ गई. तो देयर इज मच लेस एनर्जी इन साउंड दैन इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ओके, आप स्क्रीन शॉट साथ साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बेटा रेडियंट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. तो बेटा ऑल्सो नोन एज लाइट एनर्जी, और इसको हम लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी बोलते हैं. रेडिएंट एनर्जी इज टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक तरीके की काइनेटिक एनर्जी दैट ट्रैवल इन वेव, जो वेव के फॉर्म में चलती है. ठीक है, तो सन से जो वेव्स आती हैं, लाइक ये ऐसे चलती हैं, उनका पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है. इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे जब हम साउंड वाला चैप्टर करेंगे. ठीक है बेटा, फिर अलाउड लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, इसमें फोटोन्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स एटम्स हीट अप. जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेटम है वो हीटअप होता है, तो उस टाइम पे होता ही है. तो लाइट ट्रैवल इन वेव इन द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी विजिबल टू ह्यूमन आई. ठीक है, जो लाइट है ना वो सिर्फ हमारे लिए विजिबल होती है, बाकी कोई पार्ट विजिबल नहीं होता. ठीक है, अब है न्यूक्लियर एनर्जी. तो न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. जो एक एटम होता है बेटा, एटम का जो न्यूक्लियस, तो जहाँ पे प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस एनर्जी. ये एनर्जी कब रिलीज होती है? जब किसी भी न्यूक्लियर को हम या तो दो न्यूक्लियस को कंबाइन करें या दो न्यूक्लियस को स्प्लिट करें, तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, जैसे कि हम न्यूक्लियस विरण को तोड़ते हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द टाइनी पार्टिकल दैट मेक्स अप एटम्स अलोंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, टाइनी पार्टिकल्स की. ठीक है, अलोंग विद द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन दैट मूव थ्रू ए वायर आर कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी वायर में से मूव करेगा,
तो क्या प्रोड्यूस करेगा करंट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइटनिंग इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशन से बेटा हमें ज़रूर पता होनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है। थर्मल हीट एनर्जी क्या होता है बेटा? थर्मल एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विद सब्सटेंस। दे फास्टर दे मूव द मोर एनर्जी दे प्रोसेस। और वो ज़्यादा मतलब थर्मल एनर्जी तरीके किसी भी सब्सटेंस को हॉट अप करने की जो प्रोसेस होती है। केमिकल एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब कोई एटम किसी मॉलिक्यूल्स को जब बॉन्ड अप करते हैं तो हमारे पास क्या होती है? केमिकल एनर्जी, ठीक है। इट इज द एनर्जी दैट होल्ड दिस पार्टिकल्स टूगेदर एंड स्टोर्ड एनर्जी इन फाउंड इन फूड बायोमास वगैरह, इन सब में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, नाउ अवर मेन टॉपिक स्टार्ट। सो यू कैन सी एट हेयर दिस बॉय इज मूविंग डाउन। ये बच्चा कंटिन्यू नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब बच्चा कंटिन्यू किसको फॉलो कर रहा है? मोशन। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी मोशन करेगी, मूवमेंट करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट द एनर्जी प्रोसेस बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। द एनर्जी प्रोसेस बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी मोशन की वजह जो एनर्जी प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ इंक्रीज होती चली जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या हुआ? वर्क डन ऑन इट टू मेक इट अक्वायर दैट वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी को अक्वायर करने के लिए, ठीक है, जो हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब तरीके से आप क्या कह सकते हो? काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया? वर्क डन के इक्वल हो गया, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर। कोई भी मास बॉडी है वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूला को भी हम ड्राइव करना भी सीखेंगे आगे, ठीक है। अब है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? द एनर्जी प्रोसेस बाय ये बॉडी ड्यू टू इस पॉइंट, किसी की पोजीशन, किसी की शेप की वजह से एनर्जी, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने कोई भी स्प्रिंग लिया, ठीक है, अगर आप उसको खींचते हो, ठीक है, तो आपने उसको स्ट्रेच करा, मतलब एक तरीके से आपने उसको ना खींच लिया एक साइड से ऐसे। तो जब आपने उसको खींचा तो आपने क्या करा? उसको खींच के छोड़ा तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो मतलब आपने उसको अपनी तरफ से कुछ उसे वर्क किया और वही वर्क इसमें कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो आप इसका एक एग्जांपल से इसमें दिखा रखें, लाइक वाटर जो बैंड डैम में स्टोर होता है, तो वहाँ पे क्या लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द हाइट, ठीक है। स्ट्रेच रबड़ बैंड भी ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है। दो तरह के होते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन अबाउ द ग्राउंड। कोई जैसे ग्राउंड के ऊपर अगर कोई मटेरियल रखा हुआ है, तो ये जो है, ठीक है, मास बॉडी है और उसके ऊपर रखी हुई है, तो इसकी हाइट, ये इसकी हाइट है जी, इस पर ग्रेविटी वर्क करी, तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? एम जी एच, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलास्टिक पोटेंशियल होती है, जैसे अभी मैंने आपको इलास्टिक एग्जाम्पल लेके दिखाया था, ठीक है। तो मास बॉडी है, एक पोजिशन में चेंज आएगा तो ये जाएगा हाफ एम एक्स स्केयर, ठीक है। वो उसकी चेंज इन शेप्स की वजह से होती है। जैसे आप रबड़ बैंड वगैरह लड़कियाँ डालते हैं, उनमें जो शेप्स में चेंज आता है इलास्टिक्स में, वो यही कंसेप्ट होता है। अब है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, क्या एक दूसरे को कन्वर्ट हो सकती है ये एनर्जीज। तो देखो बेटा, एक रबड़ एक टायर है, उसको बच्चा मतलब ऐसे ज़बरदस्ती इसको अपने सिर पर टिकाए हुआ है, सो दैट वो उसको मूव ना होने दे, ठीक है। तो उसने उसको बहुत ऊपर तक ले गया अपने सिर की हेल्प से, ठीक है। इसको ऐसे ऊपर तक, पहले यहाँ था टायर, अब इसको यहाँ तक ले गया, तो जब इसको छोड़ेगा तो वापस आएगा, तो कितना वापस आएगा? जितना स्पेस पे वर्क डन किया। तो अब ये ऊपर चला, तो यहाँ पे रेस्ट में है, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है? पोटेंशियल वर्क कर रही है, ठीक है। और जब ये अपनी पोजिशन से वापस आएगा, यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो कंटिन्यू ऐसे मूव करा जा रहा है बेटा, ठीक है। तो जब रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों एनर्जी क्या कर सकती हैं? दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, ओके। तो ये काइनेटिक पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल में चेंज हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही है, दोनों एक में चेंज हो सकती हैं। अब बेटा व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेटा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, मतलब जिसमें मोशन भी और पोजीशन भी चेंज हो, तो उन दोनों को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। जैसे कि कोई बॉडी है, अभी बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी। अगर ये मूव कर रही है, तो बॉडी जैसे यहाँ थी, यहाँ से यहाँ चलेगी, तो मैकेनिकल। अब जो ये बॉडी है, इसको उठा के इसने मान लो यहाँ रख दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी। मतलब अगर काइनेटिक में चेंज हो चाहे उसमें मैकेनिकल में चेंज हो, दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा? दोनों को हम टोटल बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी टू डू वर्क, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कि हैमर द एबिलिटी टू अप्लाई फोर्स टू ए नेल,
ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या किया बेटा, एक है मतलब हथौड़े से एक उस पर नील मतलब नील पे हथौड़ा मारा है तो टू काज डिस्प्लेस, तो बड़े उससे डिस्प्लेस हो जाएगी ठीक है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में ठीक है, क्योंकि इसने क्या करते हैं उस नील पे वर्क किया है। अब देखो बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो क्या करोगे, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इन दोनों को सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो ये होता है mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, काइनेटिक का। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का। अब ये फॉर्मूले कैसे आप इनको भी आगे ड्राइव करेंगे ठीक है बेटा। बड़ा ये चैप्टर है बेटा, बड़े अच्छे से समझ में आएगा, इसमें से कोई भी टफ टास्क नहीं। देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी से हम कुछ कंक्लूजन शो अप करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर पर आएगा बेटा ठीक है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी आप देखो यहाँ से, जो काइनेटिक एनर्जी है तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बेटा जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ठीक है। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ठीक है बेटा। अब काइनेटिक एनर्जी तो ये उसे बेटा वहीं दिखा रखा है, अच्छा इसमें हाँ ये बता रखा बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है। जैसे इसमें देखो बेटा क्या कह रहा है कि कोई बॉडी है, जब हम किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे मूव अप करते हैं तो इस बॉडी कुचड़ने में मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेरेशन लगाना पड़ता है। क्यों बेटा, एक तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है वो भी ऐसे वर्क कर रहा है, और एक ये ग्रेविटी वाला फोर्स और इस पर डबल फोर्स वर्क कर, इसलिए इसको ज़्यादा मोशन करना पड़ता है ठीक है बेटा, तो इसको ज़्यादा वेलोसिटी लगानी पड़ती है ओके। अब हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन करेंगे बेटा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या कर लिया, दो बॉडी कंसिडर करी है ठीक है बेटा। ये देखो हमने यहाँ पे दो बॉडी कंसिडर करी है ठीक है, दिस इज बॉडी ए, सपोज करो इसका मास मैंने एम ले लिया और इसका मास भी मैंने एम ले लिया। तो जब ये बॉडी यहाँ रेस्ट में थी तो इसकी वेलोसिटी यू ले ली, और जब फाइनली यहाँ पहुँचे तो वी वेलोसिटी। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बेटा, इसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, एफ मैंने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया। तो मैं यहाँ पे तो ये बॉडी ने मोशन अप्लाई हुआ है, तो हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, हम इसका निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ठीक है बेटा। देखो अब क्या कह रहा है, हमने एक बॉडी मान ली जिसका एम मास था, वो रेस्ट में थी स्मूथ फ्लोर के ऊपर, तो लेट ए फोर्स भी अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो हमने एक फोर्स अप्लाई करा, और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी मूव होगी, आगे से रख गई थोड़ा सा, तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया ठीक है। अब अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाओ और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो वहाँ पर वर्क डन होगा ठीक है। जिस द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम जीरो टू, वेलोसिटी कितने चेंज हुई है, जीरो से वी में चेंज हुआ है ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, वो क्या कहती है, एफ इज इक्वल टू एम ए ठीक है। अब जो एफ इज इक्वल टू एम ए है तो यहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा एम ए इंटू एस। अब हमें यहाँ पे देखो बेटा, जब इस कौन इस कंडीशन में ए क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, ये हमारा क्या है बेटा कॉन्स्टेंट, और जब हमारा ए कॉन्स्टेंट होता है बेटा तो तीन इक्वेशन लगती हैं, कौन कौन सी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें एस निकालना है, तो बेटा हम कौन से वाली कंडीशन, क्योंकि टाइम का तो रोल ही नहीं है, तो हम ये वाले लगाएंगे, यहाँ से हम एस फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम एस फाइंड आउट करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस। तो यहाँ से देखो बेटा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए वी स्क्वायर बाई टू ए, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है। तो क्या बचा, हाफ एम वी स्केयर, बिकॉज बेटा यहाँ पे यू क्या था, जीरो था। तो ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है बेटा ठीक है, हाफ एम वी स्केयर ओके। एम क्या है, यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी है, और वी क्या बेटा वेलोसिटी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, मैं इसको दो मिनट के लिए होल्ड अप कर देती हूँ ओके बेटा। चलो अब वर्क एनर्जी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटा, दिस थ्योरम स्टेट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी ठीक है बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि ये कह रहा है कि जब आप किसी बॉडी पे काम करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आता है, तो वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाएगी ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम यू स्केयर, यहाँ पे कितनी, हाफ एम वी स्केयर, तो यहाँ पे यू जीरो होगा ठीक है। तो ये कह रहा है जो इनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क डन करेंगे। तो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे बेटा ठीक है। चलो अब इसको हम प्रूव करते हैं।
अब देखो बेटा, हमने मान लिया वर्क डन, वी नो ऑलरेडी ना, हमें पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस, सेम वही कंसेप्ट लेना है बेटा। कोई एक बॉडी है यहाँ से यहाँ जा रही है, एम उसका मास है, और यहाँ से यहाँ गई तो उसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर दी, तो यू इसकी वेलोसिटी और वी इसकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, तो एफ एम टू एस हो गया, एफ को एम ही है, अभी यू निकला था ये वैसे ही है बेटा, पीछे जो करके आए हैं वहाँ पे बस हमारा यू वाला कंसेप्ट था। तो बेटा एफ इन टू एस, एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर माइनस यू स्केयर इंटू थर्ड, तीनों रो ले लिया हमने, अब यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस एस की वैल्यू को तो फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, ठीक है, तो यहाँ पे एफ की और एस की वैल्यू पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, एफ की और एस की, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए इंटू वी स्केयर माइनस यू स्केयर, तो ए से कैंसिल आउट, तो ये बचा एम इंटू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ठीक है, तो ये देखो आपका जो इनके बीच में डिफरेंस आया है वो वर्क डन आ गया, बट अगर वेलोसिटी अपनी यू अपनी जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा एम वी स्केयर बाई टू, दैट इज हाफ एम वी स्केयर। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। बट अगर हाँ यहाँ पे यू जीरो नहीं है, अगर यहाँ पे आपका यू जीरो नहीं है तो क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्केयर माइनस यू स्केयर, ये आ जाएगी आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर, अगर यू जीरो दे रखा तो आप यू लगा दो, वरना ये हो जाएगा। ओके, तो बेटा यहाँ से आपका आ गया हाफ एम वी स्केयर, तो दिस वर्क इज डन टू द काइनेटिक, तो आप ये देख सकते हो कि जो वर्क डन है किसके इक्वल है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अब देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी और इसमें मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है बेटा, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्केयर, तो मैंने क्या किया बेटा इसको एम से ही मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और एम से ही डिवाइड कर दिया। तो बेटा एम स्केयर, तो हमें पता है पी इज इक्वल टू एम वी होता है मास इंटू वेलोसिटी, अब एम स्केयर वी स्केयर है तो यहाँ पे भी पी स्केयर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम वी का स्केयर, दैट इज पी स्केयर बाई टू, तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया रिलेशन हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी का स्केयर। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा इन फॉर्मूलेज का यूज करते हुए। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ए बॉडी ऑफ मास, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास कितना है 2 kg, स्पीड कितनी है बेटा 20 m/s, काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। बड़ा ये क्वेश्चन है बेटा, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, फॉर्मूले में पुट करो, कुछ कट तो कट करो, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा बेटा 20 m/s का स्केयर 20 × 2400 जूल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें क्या कह रखा है कि बॉडी 30 kg की 60 जूल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो उसका स्पीड बताओ बेटा। तो आप देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्केयर, तो यहाँ से वी निकालना आपको, तो वी क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो 2 kinetic energy × m, 2 × 60, 30, ठीक है, तो 30 × 2 = 60, तो 2 × 2 = 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4 m/s². ठीक है, तो ये 4 क्या आ गया, वी स्केयर की वैल्यू आई है ना, ठीक है, तो ये वी स्केयर की वैल्यू आई है बेटा। तो अगर आप इसको अंडर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक फोर्स है, एक बॉडी पैक्ट कर रहा है, 10 kg की बॉडी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 to 3, पहले यू है ये और ये हमारा है वी 3, तो वर्क डन निकालना, तो वर्क डन पता है हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर, तो बेटा हाफ एम वी स्केयर वी स्केयर करेंगे, ठीक है, तो वी की वैल्यू हाफ है 10, ठीक है, 9 − 25 स्केयरिंग करेंगे, तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो 9 − 25 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये क्या है, हाफ इंटू 10 इंटू में 16, ठीक है, तो 2 × 5 = 10, 16 × 5 = 80, तो 80 आ गया बेटा इसका आंसर जूल, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला है वो देख दो, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होती है ना बेटा वो जूल होती है, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे। तो हमने एक बॉडी कंसिडर कर ली जो एक हाइट पे है, तो बेटा यह चीज़ की हाइट होगी, ग्रेविटी इस पर वर्क करी, ये हमारा क्या है ग्राउंड है, एम इसका मास है, तो वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब नीचे से आप ऊपर लेके जा रहे हो तो उसमें कुछ वर्क आप अप्लाई कर रहे हो, तो हमने माना कि एक बॉडी है जो एम मास की है, एच हाइट पे है, यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, तो ये कह रहे जो उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उस बॉडी का वेट है और वो क्या हो जाएगा एम जी, तो डिस्टेंस इसने कितनी ट्रैवल करी एच, तो वर्क डन कितना हो गया बेटा एफ इंटू एस, ठीक है, एफ तो यहाँ पे कितना एम जी है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या जी है, तो एम जी एस, तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के खिलाफ ग्रेविटी के अगेंस्ट इसने कितना काम किया बेटा, इसने काम किया एम जी एस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो दिस डिपेंड ऑन द हाइट मास एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द
आर्थिक इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो बेटा जो पोटेंशियल जी कुछ पॉइंट्स है, देखो बेटा पोटेंशियल जी स्टोर्ड इन द बॉडी इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टोर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, ये जब सरफेस पे आप इसको रखोगे तो वहाँ पे हाइट जीरो हो जाएगी, तो ये भी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज द हाइट, जितनी भी ज़्यादा हाइट बढ़ती चली जाएगी ये भी बढ़ती चली जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीज एज इट फॉल्स टुवर्ड द सर्फेस, तो जितना वो नीचे आती चली जाएगी उतना ही उसकी एनर्जी घटती चली जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज एट सम हाइट फ्रॉम द सर्फेस देन इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर मान लो कोई बॉडी यहाँ हाइट पे रखी हुई तो हम इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है कि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो बाय स्टोन ऑफ 10 kg का फ्लैट हाइट, कोई स्टोन है वो 10 kg का 5 meter हाइट पे रखा हुआ है, जी अपनी 9.8 है। देखो बेटा 10 gram का 2 kg में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 1/100। एच अपना 5 है, जी 9.8, तीनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 520 तो 920 तो ये कितना कर जाएगा 2 4 8, ठीक है, तो 4.9 और नीचे 10 है तो कितना हो जाएगा 0.49, ठीक है बेटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए बैग ऑफ वेट 50 kg, तो आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है बेटा। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा CBSE में आया हुआ है। तो ये बैग मास इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो बेटा अब आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है MgH, ठीक है। जी हम यहाँ पे 10 कंसीडर कर लेंगे, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट, ये एच फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगी P/mg, ठीक है। तो P कितना दे रखा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है 5000 और मास कितना है बेटा 50 और ग्रेविटी कितनी है बेटा 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से 1 कैंसिल आउट, 5 10 50, तो कितना आ जाएगा बेटा 10 meter हाइट आ जाएगी, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। ओके चलो अब है बेटा इस कुछ और क्वेश्चंस हैं इसके। ये देखो बेटा क्या कह रहा है, एक मैन है 70 kg का है, वो एक हिल स्टेशन पे जा रहा है, ए पे अनदर हिल स्टेशन, ठीक है, एक से दूसरे पे चढ़ रहा है, तो जो हिल स्टेशन की हाइट है वो 1200 meter दे रखी है और दूसरे वाले की देखिए 1800 meter फ्रॉम द सी। तो इसमें बेटा आप तरीके से आप देख लो बेटा, दो पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी हैं। तो बेटा मास इतना है, हाइट फाइनल माइनस इनिशियल इतनी रह गई, तो ग्रेविटी जी दे रखी, तो क्या हो जाएगा MgH2-H1, ठीक है। तो Mg आपकी वैल्यू पुट कर दो, 17 × H2-H1 कितना 600, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। अब एक पोर्टर है, उसने एक लगेज उठाया 15 kg का बेटा, हाइट कितनी 1.7, तो आप बताओ लगेज वह क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपको कहीं भी फॉर्मूले में M और H दिखे तो आप लगा दो MgH, आपको M और V दिखे तो लगा दो हाफ MV2, वर्क डन पूछा। अगर आपको F ठीक है S दिखे तो आप लगा दो F × S वाला फॉर्मूला। ओके अब देखो बेटा क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है बेटा 15 kg का है, तो 1.7, तो बेटा 15 kg मास हो गया, 1.7 meter दे दी जी, ये दे दिया था हम जी, सीधे फॉर्मूले पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे। चलो अब देखो बेटा एक ऑब्जेक्ट है ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 10 meter से नीचे गिराया गया, 40% उसमें स्ट्राइकिंग हुई है, मतलब नीचे आने के बाद, तो बताओ उस ऑब्जेक्ट ने कितना बाउंस बैक किया, ठीक है, मतलब हाइट पूछी है। एम मास मान लिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी Mg है 30 mg × 10, ये 10 mg हो गया। अब एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट पता पूछ रहा है आफ्टर स्ट्राइकिंग कितना हुआ, 60% हुआ है ना उस एनर्जी का, तो 60% निकाल देंगे हम उस एनर्जी का, तो बेटा ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 mg। तो एनर्जी विल टेक टू यूज टू टेक द ऑब्जेक्ट टू सर्टेन हाइट, तो उसने कुछ हाइट कवर करी है, तो उस हाइट को हम अगर फाइंड आउट करें तो बेटा कितना हो जाएगा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है MgH, हाइट एच नहीं ऐसे निकालें, तो MG से MG कैंसिल आउट, तो H क्या हो जाएगा 6 meter। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सो डू यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग, सो नाउ दिस इज कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स एंड कंस्ट्रक्टिव योर ओन फिजिक्स इन योर ओन, थैंक यू।